हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ADAS के बारे में, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। बेसिकली आपको भी पता है कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ना गाड़ियों के, वो होते हैं ह्यूमन एरर की वजह से, इंसानों की गलती की वजह से होते हैं। ये सिस्टम इसलिए आया है ताकि जो एक्सीडेंट होते हैं उनको किसी तरीके से अवॉइड किया जा सके। पूरे तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक भी अगर अवॉइड हो सकते हैं तो काफ़ी जानें बच सकती हैं, तो इसलिए ये सिस्टम आया है। और अगर वर्किंग की बात करें तो ये कैसे काम करता है, तो ये क्या है, एक सिस्टम है जिसके अंडर में कई सारी एप्लीकेशंस आते हैं, मतलब कई सारे जो सेंसर्स होते हैं ना वो इसके अंडर में आते हैं। जैसे आपको भी पता है गाड़ियों के अंदर ECU होती है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, मतलब गाड़ी का जो दिमाग होता है ना वो कई सारे सेंसर्स के साथ में कनेक्टेड रहता है। जैसे आपके जो गाड़ी के टायर प्रेशर होता है, इसका जो सेंसर होता है, तो जितने भी सेंसर्स होते हैं ना गाड़ी के अंदर, वो सब एक एक ब्रेन ब्रेन के साथ में कनेक्ट होता है। अब अगर ADAS की बात करें तो ये क्या होता है, कई सारे सेफ्टी फीचर्स को लीड करने का काम करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इसके अंडर में आते हैं, कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स हैं, या फिर कौन कौन से ऑटोमेटिक ऐसे फीचर्स हैं जो एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। इसके बारे में ऑलरेडी वैसे मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। क्रूज कंट्रोल, जैसे बताया था कि कंटिन्यूस स्पीड में, कॉन्स्टेंट स्पीड में गाड़ी हाईवे पर आप ट्रेवल करते हैं जब, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में क्या होता है, ये तो मैंने क्रूज कंट्रोल बताया कि नॉर्मली आपने सेट कर दिया और कॉन्स्टेंट स्पीड पर गाड़ी चल रही है। बट अडेप्टिव वाले में क्या होता है कि गाड़ी ये रडार सिस्टम काम करता है और गाड़ी ये सेंस कर लेती है कि हाईवे पे ही आपकी गाड़ी के आगे जो गाड़ी है वो कितनी दूरी पे है और उससे सेफ डिस्टेंस बना के रखती है, क्योंकि कई बार हमारा ध्यान हट जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, आपको स्पीड बार बार जो है अपने हिसाब से चेंज करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी ऑटोमेटिक रडार सिस्टम की वजह से देख लेती है कि भाई आगे जो गाड़ी है वो कितनी दूरी पे है, कितनी सेफ डिस्टेंस रखनी है। तो ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, ये जो आता है ADAS के अंडर में ही आता है। तो अगला आता है ग्लेयर फ्री हाई बीम। इसके अंदर क्या होता है कि जो गाड़ी की हेडलाइट्स होती है ना, उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं। अब ज़्यादातर जो एक्सीडेंट वो रात में इसलिए होते हैं ना, क्योंकि गाड़ी, जैसे आप अगर आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं और अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आंखों पे काफ़ी सारा चौंधा पड़ जाता है, फॉक्स जो आ जाता है, तो उसको बचाने के लिए क्या हेडलाइट्स ये काम करती हैं। अगर जैसे वो सेंस कर लेती हैं इस चीज़ को कि जहाँ पे डार्क करना है वहाँ पे डार्क करती है, मतलब लाइट कर देती हैं, जो इंटेंसिटी है लाइट की वो कम हो जाती है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो एक तरह से ये भी सेफ्टी फीचर्स है और जिससे एक्सीडेंट भी अवॉइड किए जा सकते हैं, लेकिन आता ये किसके अंडर में है, ADAS के ही अंडर में। अगला है ऑटोमेटिक पार्किंग। देखो पहले तो क्या है, IRVM लगे रहते थे गाड़ियों के अंदर, तो जैसे पीछे आप देखते थे, बट अब तो क्या है, पीछे की साइड में रियर में कैमरा भी आने लग गए हैं तो वो आपको दिखा देता है। साथ में क्या, कई जगह ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं पता है, कि जैसे आप जैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं तो काफ़ी हिस्सा तो आप देख लेते हैं, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ दिख नहीं पाता है, तो वो जो कैमरा है ना वो यही काम करता है कि उन ब्लाइंड स्पॉट्स को जो है दिखाने का, मतलब आपको पता लग जाता है कि पीछे जहाँ पे आप नॉर्मल तरीके से नहीं देख पा रहे थे वहीं वो कैमरा रहेगा जो आपको इंडिकेट कर सकता है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर आजकल तो क्या है बजर्स भी आने लग गए हैं, तो अगर कोई भी व्हीकल आपके पार्क करते समय या फिर डिस्टेंस में, पास के डिस्टेंस में रहता है तो वो बजर भी बज जाता है। जैसे आप एक ये फिगर देखिए, ये वाले फिगर के अंदर मैंने जो 360 गाड़ी के आजकल आ रहा है ना, जो 360 व्यूज़ में आ रही है कि गाड़ी को जो 360 कवर कर लेती है कि आसपास में कितना क्या है, तो इस तरह से कुछ उसकी पूरी रहती है, कितने सेंसर्स रहते हैं। तो आप एक बार इमेज को देखिए कि कितने सारे इसके अंदर सेंसर्स हैं और किस किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या काम करती है, तो कितना मतलब मॉडर्न हो चुका है आज का ज़माना कि ये सारे ऑप्शन भी आ रहे हैं, गाड़ी की जो 360 है वो इस तरीके से वर्क करती है। अगला तो है जो सब जानते होंगे, नेविगेशन सिस्टम। ये तो क्या, बेसिक आपको रूट दिखाने का काम करता है, आपको गाइड करता है, चाहे वो वॉइस से हो चाहे वो वाइब्रेशन से हो, तो काफ़ी सारे मेथड से नेविगेशन सिस्टम आपकी हेल्प करता है रूट को सही आने में। अगर ट्रैफिक है तो वहाँ वो बताता है कि किस जगह पर ट्रैफिक है, तो नेविगेशन सिस्टम भी ADAS के ही अंडर में आता है, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के अंदर। एक होता है क्रॉस विंड स्टेबलाइजेशन। ये बेसिकली जब काम में आता है, जैसे अगर गाड़ी जो है किसी बड़े ब्रिज पे जा रही है या किसी पीक पे जा रही है जहाँ हवा का बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या है, गाड़ी जो है अनस्टेबल हो जाती है, तो वहाँ पे उसका स्टेबलाइजेशन करने के लिए ये सेंसर्स काम में आते हैं। आजकल तो सिस्टम इतने एडवांस होने लग गए हैं कि गाड़ी के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आपको नींद भी आ रही है ना, तो गाड़ी के कैमरा सेंसर्स वो इस तरह से आपका इंडिकेट कर, मतलब उनको पता लग जाएगा कि भाई जो ड्राइविंग कर रहा है वो पूरी ध्यान से नहीं है, पूरा उसका अटेंशन ड्राइविंग पे नहीं है, तो किसी ना किसी तरीके से वो आपको अलर्ट करेंगे, चाहे वो वाइब्रेशन हो, चाहे वो कोई साउंड इफेक्ट हो, या फिर किसी भी तरीके से वो आपको अलर्ट करने की कोशिश करेंगे। और बाय द वे, अगर मतलब सेंसर्स को ये अंदाज़ा लग जाता है कि भाई आपके अलर्ट करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और जो ड्राइवर है वो कोई
रिएक्शन नहीं दे रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में सेंसर यहाँ तक का कंट्रोल रखते हैं कि गाड़ी को ब्रेक लगा के वो गाड़ी को रोक सकते हैं। सो ये जो है काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है, जब उसको पता लग गया कि भाई ड्राइवर जो है इतना अटेंशन नहीं दे रहा है तो वो ऑटोमेटिक ही गाड़ी को ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक लगा के रोका जा सकता है। तो ये सारे जो है सेंसर्स के हाथ में हो गया, क्योंकि आजकल AI भी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, तो गाड़ी खुद सीखती है जैसा आपका चलाने का पैटर्न है, उन सब चीज़ों से जो उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट किया जाता है, उन सब चीज़ों से AI के जरिए गाड़ी सीखने की कोशिश करती है, सीखती है गाड़ी। ये काफ़ी सारे एडवांस फीचर हैं, और जो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये सारी की सारी चीज़ें ADAS के अंडर में ही आती है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के ही अंडर में ये सारे सेंसर्स आते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सेंसर्स हैं, बट मैंने आपको बेसिक बताया कि इसका मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंडर में कई सारे सेफ्टी सेंसर्स जो हैं वो आते हैं, जिसके थ्रू जो रोड एक्सीडेंट हैं उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।